आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जब सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां यीशु के लिए रो रही थी, विलाप कर रही थी। तो यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा था, हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए नहीं मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं। कौन से दिन आते हैं? 7 साल का महाक्लेश काल का, साढ़े तीन साल क्लेश काल के, 3.5 साल महाक्लेश काल के, जिनमें वे कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ गर्भ जो न जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे कहेंगे, रेप्चर हो जाने के बाद वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढाप लो। उस समय लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी। जो यहाँ पर बच जाएंगे वे लोग कहेंगे पहाड़ों से कि हम पर गिरो, कहने लगेंगे कि हम पर गिरो गिरो, कहने लगेंगे कि हमें ढाप लो। उस समय इतना खौफनाक मंजर होगा मेरे भाइयों और बहनों, जैसा मत्ती 24:19 में लिखा हुआ है, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। उस 7 साल में ऐसा भारी क्लेश होगा, उस समय जिस किसी स्त्री के पेट में बच्चा होगा उसके लिए हाय हाय। मारी मारी भागी भागी फिरेगी, इतनी तराही तराही मची होगी इस पृथ्वी पर। आज लोग यीशु का मजाक बना के रखा है, ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा उस समय। उस समय सभी की आंखें कान खुल जाएंगी, अभी तो सब मजाक लग रहा है, यहाँ भी तड़पाया जाएगा। और फिर उसके बाद जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो उसको हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर नर्क में डाल देगा। निर्मिया की पुस्तक 1:2-3-4 वचन में हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ। वीडियो को पूरा देख लेना और वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर कर देना। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, निर्मिया के पास पहुंचा, इस स्थान में बुआ करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, उनको कोई मिट्टी ना देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनकी लोते आकाश के 100 पक्षियों का और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। जरा सोचो, अगर आपने शादी कर ली, अगर आपके बच्चों ने इस ऊपर विश्वास नहीं किया, अगर वे मसीह विरोधी के दिन में फंस गए तो ऐसा ही हाल होगा, खाद के समान लोते पड़ी रहेंगी और वे पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। यहाँ भी चैन नहीं मिलेगा और मरने के बाद उसको हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए समय रहते हुए यीशु के पास लौटाओ, अभी समय, वरना बाद में अवसर नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी लोगों से बताया जा रहा है कि भैया पाप मत करो, पाप मत करो, यीशु पर विश्वास कर लो, पाप मत करो, जैसे प्रकाशित वाक्य 16:3-6 में लिखा हुआ है। वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है भैया। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुओं का लहू बन गया, और तीसरे ने अपना कटोरा नदी और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। मसीह विरोधी के दिन में परमेश्वर के प्रकोप के साथ कटोरे इस पृथ्वी पर उंडेले जाएंगे। जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि जाओ मेरे प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो, जिस नल से आप पानी निकालते हो उससे खून निकलेगा, जब चौथा कटोरा नदी और पानी के स्रोतों पर उंडेला जाएगा तो क्या हाल होगा, बताता हूँ। 7 साल का भारी क्लेश इस पृथ्वी पर होगा। उस समय जिस हैंड पंप से आप लोग पानी निकालते हो उससे खून निकलेगा, तालाब में पानी लेने जाएंगे वहाँ पानी नहीं लहू मिलेगा, लहू। नदियों में पानी लेने जाएंगे पानी नहीं लहू मिलेगा, झीलों में पानी लेने जाएंगे पानी नहीं लहू मिलेगा, लहू। पानी की जगह आपको खून पीना पड़ेगा, प्यास के मारे आपकी जी बैठेगी, इतना हाहाकार मचा होगा उस समय। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का कहर बरसेगा, कहर। और पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था और तू न्यायी है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्य वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू ही पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। आज मसीह विश्वासियों को सताया जा रहा है, पुलिस वाले प्रार्थना करने नहीं दे रहे हैं, पास्टरों को मारा जा रहा है, और इन लोगों को परमेश्वर लहू ही पिलाएगा मसीह विरोधी के दिन में। और जो यहाँ पर गलती से रह जाएगा यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जा पाएगा, कुछ न कुछ पाप करके यहाँ पर रह जाएगा, उसका बहुत ही बुरा हाल होगा। और उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा स्वर्ग सिंहासन के सामने,
तब उसको जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा तो उसे स्वर्गदूत खींच तान कर नर्क में फेंक देंगे। उस नर्क में एक बार चले गए तो वहाँ आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जब आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नर्क में जाएगा। बचा लो अपने आप को नर्क जाने से। पहला तिमिथियुस 4:2 के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। क्योंकि आज के इस संसार में शैतानी दुष्ट आत्मा अपना तीर मसीहों के ऊपर चला रही है और उसे बेद के चली जाती है। वो शैतान जो स्वर्ग में एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया करता था और परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था और परमेश्वर ने उसे और उसकी सारी सेना को नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया था परमेश्वर ने, और वही सारी सेनाएं अब दुष्ट आत्माएं बन गई हैं जो इस संसार में अपनी जगह बनाकर बैठ गई हैं। और आज सारा का सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है और सारा संसार उस दुष्ट की आराधना कर रहा है। देखिए, शैतान को मालूम है कि एक मसीही किस पाप में गिरता है और वही तीर शैतान मसीहों के ऊपर चलाता है और वह मसीही बड़े आराम से पाप में गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसके अंदर वचन ना होने के कारण, वचन की गहराई ना होने के कारण वह मसीही शैतान की जाल में फंस जाता है। आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।